हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूपटॉप गार्डन। सितंबर का एंड होने वाला है तो ये सही वक्त है। इस टाइम अगर आप हरसिंगार प्लांट की थोड़ी बहुत केयर कर पाओ तो आने वाले विंटर सीजन में आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलने वाला है। तो क्या करना है उसके बारे में ही मैं आज शेयर करूँगा। जैसे कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी प्रूनिंग कर लेता हूँ प्लांट की, क्योंकि प्रूनिंग जितना करोगे आप उतने ज़्यादा नए नए ऐसे ब्रांचेस निकल कर आएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिल पाएगा। क्योंकि मेरे प्लांट पे थोड़े बहुत फ्लावरिंग शुरू हो चुका है तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रूनिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके प्लांट पॉट के अंदर है, जैसे कि मेरे प्लांट एक 10 इंच पॉट के अंदर है, तो इस तरह आपके भी प्लांट अगर ज़्यादा पुराना है तो आप थोड़ी बहुत प्रूनिंग कर दीजिए। अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं है तो आप हार्ड प्रून कर सकते हैं। इसके अलावा आप सॉफ्ट प्रून भी करके बहुत सारे फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो प्लांट मेरे 10 इंच पॉट के अंदर था, प्लास्टिक बाल्टी के अंदर, तो मैं आज इसको थोड़ी सी रिपोर्टिंग करूंगा और नया मिट्टी ऐड करूंगा और थोड़ी बहुत खाद का भी इस्तेमाल करूंगा। तो मैं अभी इसे 12 इंच पॉट के अंदर शिफ्ट करने वाला हूं और थोड़ी सी खाद ऐड करूंगा। खाद में मैं नीम खोल का इस्तेमाल कर रहा हूं। नीम खोल देने से इंसेक्ट का अटैक कम होता है और आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत नीम खोल का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैं DAP और पोटास का मिक्स देने वाला हूँ मिट्टी के साथ ऐड करके, क्योंकि प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा नहीं है तो मैं नीचे से थोड़ी सी मिट्टी को हटा रहा हूँ। सोचा था मेरे प्लांट पे बहुत ज़्यादा रूटिंग हो चुका है, लेकिन जितना मैं सोचा था उस हिसाब से रूटिंग नहीं है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मिट्टी को मैं नीचे की साइड से हटाकर नया मिट्टी को ऐड करूँगा। और जैसे कि मैं पहले ही बताया, DAP और पोटास का मिक्स मैं देने वाला हूँ। तो देखे मैं प्लांट को 12 इंच पॉट के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। तो हरसिंगार प्लांट, जिसे हम लोग नाइट जैस्मिन के नाम से भी जानते हैं, इसमें बहुत सुंदर से सुगंध निकलते हैं और फूल जो है बहुत ही छोटा सा होता है और सुबह के वक्त खिलते हैं। तो प्लांट पे अच्छे से खाद का इस्तेमाल करने के बाद बहुत ही अच्छे से वाटरिंग कर देना है, ताकि 2 से 3 दिन तक वाटरिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गया, जब भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो किसी भी प्लांट को तो 1 से 2 दिन तक उसे वाटरिंग मत कीजिए। प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद ही आप बहुत ही अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। और प्लांट को इस समय थोड़ी बहुत शेड में रखना ज़रूरी है अगर आप समर सीजन में रिपोर्टिंग कर रहे हो तो। जैसे कि अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो इस समय इसे फुल शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं इसे 7 दिन तक शेड में ज़रूर रखता। तो ये कंप्लीट हो गया है और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ सीड्स भी मैं ग्रो किया था आज से 3-4 महीने पहले, तो सीड्स का रिज़ल्ट कैसा है, जैसे कि आपके सामने है। एक 6 इंच पॉट के अंदर सिर्फ सैंड देकर मैं सीड्स को ग्रो किया था, और हालांकि सीड्स का जर्मिनेशन तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है, जिसके बारे में मैं एक फुल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। जस्ट अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इसका ग्रोथ कैसा है, और सीड्स से जर्मिनेट प्लांट हो चुका है मेरा। तो ये तो गया मेरे सीडलिंग किए हुए कुछ प्लांट्स, और मेरे जो मेन प्लांट है इसे भी मैं सीडलिंग से ही ग्रो किया था आज से 3 साल पहले। तो आज मैं जो रिपोर्टिंग किया हूँ सितंबर के एंड पे, मुझे इसे 1 महीना पहले ही कर देना चाहिए था। जैसे कि मैं बताया मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ फ्लावरिंग जस्ट होने वाले हैं, बर्ड्स आना शुरू हो चुका है। तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत प्रूनिंग किया ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि कैसे प्रूनिंग और कैसे अभी ख्याल रखे प्लांट को, ताकि आने वाले फरवरी के एंड तक आपको बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग मिल पाए। तो मेरे प्लांट सिर्फ 2 से 2.5 फीट का ही है और इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होता है। तो लास्ट ईयर मेरे प्लांट पे फ्लावरिंग कैसा था तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो फ्लावरिंग है मेरे लास्ट ईयर का है। तो देखिए इसमें कितना खूबसूरत फूल खिला है। तो आप भी चाहे तो 10 इंच पॉट के अंदर हरसिंगार प्लांट को ग्रो करके बहुत सारे फूल पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।